नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ही कम शब्दों में समेटना है। 10 मार्क्स का मतलब आपको 150 वर्ड्स से 200 वर्ड्स के बीच में, तो इसको कंसाइज करके लिखना है, बिल्कुल करक चीज़ों को डाल करके आगे बढ़ना है। तो सिंपल टॉपिक भी आपका पर्यावरणीय प्रदूषण कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, संकल्पना। जब भी संकल्पना ले तो परिभाषा के साथ साथ थोड़ा सा उसका आगे पीछे का बैकग्राउंड भी आपको डिस्कस करना है। संकल्पना में परिभाषा प्लस थोड़ा सा, जैसे आप पर्यावरणीय प्रदूषण की संकल्पना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे थोड़ा सा उसकी वर्तमान में पर्यावरणीय प्रदूषण एक पैराग्राफ के रूप में कि क्यों निरंतर देखा जा रहा है, बढ़ रहा है मानव जनित कारणों से। फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी भी दिखा, जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म, कुछ सरल चीज़ों को भी आपको डिफरेंट तरीके से सोच करके आंसर लिखना है। तो आपने पढ़ा होगा होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म, स्वतः संतुलन क्रिया विधि आपका जो है होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म, इसका थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं कि प्रत्येक पर्यावरण या प्रत्येक क्षेत्र में जो है इकोसिस्टम की, पर्यावरण की क्या होती है, एक निश्चित क्षमता होती है, उसके अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है तो उससे वह क्या करती है, स्वतः नियंत्रित कर लेती है, सेल्फ रेगुलेटरी कैपेसिटी होती है सभी इकोसिस्टम के सभी एनवायरनमेंट में। लेकिन एक सीमा से ज़्यादा यदि उसमें कोई चेंजेस होते हैं देन उसमें जो है प्रदूषण या इम्बैलेंस असंतुलन स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग 10% के आसपास ये आका गया है। मैंने कहा जो नॉलेज है आपके पास, नॉलेज होना ही चाहिए, सब्जेक्ट की गहन समझ होनी चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उस नॉलेज में से आपको थोड़ा सा एक सामान्य स्टूडेंट जो सोच करके लिखेगा उससे एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाल देंगे तो आपको वहाँ पे एक दो नंबर उनसे ज़्यादा मिल जाएगा और आप सिलेक्शन के लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे। ये क्रिएटिविटी आपको शो करना है। तो एक पर्यावरणीय प्रदूषण की संकल्पना कि पर्यावरणीय प्रदूषण होता क्या है, किसी भी कारण से जो है जब पर्यावरण में कुछ ऐसे अवांछित तत्वों का प्रवेश हो जाता है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता कम होने लगती है, पर्यावरण की जो मूलभूत गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन होने लगता है, परिणाम स्वरूप जीव जंतु वनस्पतियों और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स पर क्या होता है आपका उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी परिभाषा जिसके लिए मुख्य रूप से वर्तमान में मानव जिम्मेदार रहा है, हर संसाधन का उन्होंने वायु जल जितने भी प्रदूषण है अत्यधिक दोहन किया है जिसके कारण से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वही पर्यावरणीय प्रदूषण के कई प्रकार देखे जा सकते हैं। अब प्रकार को यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दीजिए, एक परिभाषा हो गई, प्रकार का डिटेल लिखना नहीं है हमें। कई प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, जितने भी प्रदूषण है, और फिर उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पे ठोस अवशिष्ट प्रदूषण इसका डिटेल थोड़ा सा बता दो। ठोस अवशिष्ट प्रदूषण का मतलब वर्तमान में जो हम लोग यूज एंड थ्रो की संस्कृति है उसके कारण से कई सारी चीज़ें ऐसे है जो यूज करते और फेंक देते हैं, इसके कारण से पर्यावरण में पड़े पड़े क्या होता है उनके द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवशिष्ट प्रदूषण कहते हैं। प्लास्टिक की बोतल, चीनी मिट्टी के बर्तन, लोहा धातु कई प्रकार के हो सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसको भी आप फ्लो चार्ट से इस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ, एक तो मैंने सिंपल बता दिया था लिया हुआ है यहाँ पे, एक भूमिका के रूप में एक अच्छी भूमिका आपके पास होनी चाहिए सिर्फ परिभाषा के साथ साथ जो है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब ठोस अवशिष्ट प्रदूषण में ये बताना चाह रहा, जैसे ये चीज़ें हैं आपकी जो है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, कम शब्दों में लिखना है, बहुत तीनों के बारे में लिखना है, 10 मार्क्स में ख़त्म करने हैं। तो इनको आप एक इस तरीके से क्रिएटिविटी दिखा करके ठोस अवशिष्ट प्रदूषण, प्रदूषक कारक ये, और इसको फिर आप इस तरीके से जो बना रहा था ये बना सकते हो कि ठोस अवशिष्ट प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, इन सभी का नाम बस लिख दो, धात्विक ठोस एक एग्जांपल कोई भी डाल दो, और धात्विक ठोस अवशिष्ट, भारी अवशिष्ट, मृत जीव, राख, यहाँ पे इनको लिख दीजिए, धात्विक अवशिष्ट और एक आध दो एग्जाम्पल ब्रैकेट में डाल दो, अधात्विक आध ब्रैकेट में, इस तरीके से इसको दिखा दीजिए। तो इतनी चीज़ों को आप कम शब्दों में इस तरीके से समेट सकते हैं, राइट। तो ये स्रोत हो गए आपके जो है, स्रोत या कारण हो गए जिसके कारण से, और फिर उसका प्रभाव थोड़ा सा एक लाइन लिख दो, प्रभाव क्या पड़ता है, उदाहरण एक आध दे दो एग्जाम्पल के रूप में, जब भी इस टॉपिक को पढ़े तो आप थोड़ा सा डेटा भी कुछ दिमाग में डाल दीजिए, विश्व में, भारत में,
प्रतिदिन प्रतिवर्ष कितना लगभग कचरा निकलता है, कितना ठोस अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो सब थोड़ा सा डाल सकते हैं आप लोग जो। तो ये सिर्फ आंकड़े पहले से तैयार होने चाहिए जब आप इसकी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते उस समय ही। उसके बाद आपका जो है प्रभाव किसके कारण से समुद्री क्षेत्रों में पूरे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सबको बढ़ावा मिलता है। प्रकृति में पड़े पड़े जो है ये जीव जंतु वनस्पतियों को सभी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसका प्रभाव दे देने। तो प्रदूषण में आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रदूषण वाला क्वेश्चन हो तो आपको प्रदूषण के संदर्भ में सीधी सी बात है कि उसका क्या कारण है थोड़ा सा जिक्र करना है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है और फिर उसके उपाय, उसको कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो ठोस अवशिष्ट प्रदूषण को कम करने के उपाय में आपका, हम उसके लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, रिसाइकलिंग आपका करते हैं, अपशिष्टों को नष्ट करना, कंपोस्टिंग करना, दबाना, राइट। वर्तमान में प्लास्टिक बैन, इन सब चीज़ों को हम लोग फोकस कर सकते हैं, रीयूजेबल प्लास्टिक को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसी को प्रबंधन को लिखना है, ये तो कॉमन हो गए, तो इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो आप क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। ये प्रबंधन में एक आपका जो है गवर्नमेंट के द्वारा कानूनी प्रबंधन होना चाहिए, एक आम आदमी आम नागरिक के द्वारा क्या क्या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और फिर आपका जो है जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनका यूज करते हैं, उनके द्वारा क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो हर जगह आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और उसका आंसर को डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। करंट से संबंधित जो भी डेटा वेटा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना इस तरीके के टॉपिक्स में, कि कितना अपशिष्ट हमारा कहाँ किधर से निकल रहा है। उसके अलावा जो सरकार के द्वारा प्रयास है विश्व स्तर पे, भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास है, इनको भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको मैंने फिर से कहा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम शब्दों में तीनों प्रकारों को लिखना है, तापी प्रदूषण क्या होता है उसको भी समेटना है, तो यहाँ पर उतना स्कोप नहीं है, बट सरकारों के द्वारा विश्व स्तर पर इसके लिए चिंता व्यक्त की जा रही है। और सभी कुछ एग्जाम्पल डाल दो, कोई एक आध देश का एग्जाम्पल याद हो कि ठोस अवशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, तो इस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिविटी शो करना है। तो ये पढ़ते ही समय आपको थोड़ा सा आज की डेट में बहुत अच्छे सोर्स आपके पास अवेलेबल है, गूगल बाबा की सेवाएं लीजिए, उनमें से कुछ चीज़ें काम की निकाल, बहुत ज़्यादा अथाह ज्ञान का भंडार है गूगल, दुनिया का सबसे वर्तमान में नॉलेजेबल पर्सन कहा जाए तो गूगल है, तो उसका हम ज्ञान को जितना काम का है उतना ले करके निकाल करके काम चलाना है। तो ज्ञानी नहीं बनना है आप लोग को भी जो है, एक प्रशासक बनना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जितनी है क्वेश्चंस की उसको फुलफिल करते हुए वहाँ से यूज करना है। तो इस तरीके से ये आपका ठोस अवशिष्ट प्रदूषण यहाँ पे ख़त्म होता है, आपका जो है दहन किया जाता है, विखंडन कुछ चीज़ों को किया जाता है, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, बाकी तापी प्रदूषण क्या होता है आप लोग जो सोच रहे होंगे, कॉमन सेंस कई लोग सोच रहे होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, तो इसको मैं आप लोग के सोचने के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि तापी प्रदूषण 90% बच्चे जो सोच रहे होंगे वो नहीं होगा, कुछ और होगा। तो कुछ और क्या होगा उसके लिए आप थोड़ा सा उसके लिए मेहनत कीजिए, टेम्परे थर्मल थर्मल पॉल्यूशन में क्या आएगा। बाकी नाभिकीय प्रदूषण आप जानते हैं, इसको भी कम शब्दों में थोड़ा सा बता देना है, नाभिकीय प्रदूषण किन किन कारणों से वर्तमान में सबसे खतरनाक प्रदूषण के रूप में है, उसका क्या इम्पैक्ट है, कुछ एग्जाम्पल्स विश्व में कब कब नाभिकीय प्रदूषण की घटनाएं कहाँ कहाँ पर हुई उसको जरूर मेंशन करना है, और उसके उपाय ये थोड़ा सा देना है। सेम चीज़ यहाँ पे तापी प्रदूषण क्या है ये अच्छे से पहले डिफाइन करना है, और फिर इसके कारण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कारण क्या है, और फिर उसके उपाय। तो इस तरीके से इनको भी आपको थोड़ा सा, चूंकि मैंने कहा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम 150 से 200 मार्क्स, 9 मिनट्स आपके पास टाइम है, तो 9 मिनट्स में जितना लिख ले आपकी स्पीड पे लिखने के लिए खुले हैं आप यहाँ पे, लेकिन तीनों को थोड़ा थोड़ा जिक्र करके ज़रूर लिखना है, तभी जाके पूरे मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ ऐसे सरल क्वेश्चंस होते हैं जिसको कम शब्दों में समेटना होता है, और इन सरल क्वेश्चंस को भी आप बेटर तरीके से फ्लो चार्ट डायग्राम दिखा के मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे देना है। छोटे क्वेश्चंस में जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देंगे आप फ्लो चार्ट डायग्राम पॉइंट वाइज, इसमें पैराग्राफ की जगह पे पॉइंट पॉइंट ज़्यादा फोकस कीजिए, पॉइंट वाइज जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपके कंटेंट और कम समय लगेगा, कंटेंट ज़्यादा होगा समय आपको कम लगेगा, तो इसमें उतने ही मार्क्स आते हैं।
तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा यह ध्यान में रखना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 के सी का थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से आपके जो है आगे भी जितने भी क्वेश्चन हैं सबका QR कोड उनके सामने लिखा रहेगा, और जैसे ही QR कोड को आप स्कैन करेंगे आपको जो है वो वीडियो दिखाई देने लगेगा।